और जनाब अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज के साथ शादो आबाद और बहुत खुशहुरम रहिए। और आज की मीठी मीठी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मीठी मीठी ईद है तो मीठी मीठी रेसिपी होनी चाहिए, जो कि बने जा रही है बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्विक रेसिपी है, लेस इंग्रेडिएंट के साथ बनेगी, जिसका नाम है मालपूड़ा। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे मालपुड़ा बनाने के लिए जो हम लोगों को अज्जा चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सूजी चाहिए हम लोगों को एक प्याली, आधी प्याली चीनी चाहिए होगी, वाइट चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ब्राउन शुगर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और आधी प्याली हम लोगों को चाहिए दूध, जर्दा रंग 1/4 टीस्पून, केवड़ा वाटर चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, और 2 अंडे चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। अंडों को मैं बहुत अच्छे से घेंट लूँगी। अंडों को मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे सूजी, मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे दूध, चीनी ऐड करेंगे, केवड़ा वाटर ऐड करूंगी, जर्दा रंग, और इसे कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 घंटा इसको हम लोगों ने रखना है। कम से कम 1 घंटा इसे ज़रूर रखें, मैं प्रेफर करूंगी अच्छे रिजल्ट्स के लिए। इसको मैंने बहुत अच्छे से कर दिया मिक्स, और अब इसे मैं 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, और मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो 1 घंटा हो चुका है, और इधर मैंने पैन जो है गर्म होने के लिए ऑयल इसमें डाल दिया और गर्म होने के लिए रख दिया इसको। और इसमें मैं अब डालूंगी मालपूड़े। इस तरह से आप लोगों ने एक डीप थोड़ा सा स्पून लेना है, इसमें इतना सा मटेरियल डालिए, और इसके अंदर इस तरह छोटी छोटी सी टिक्कियों की सूरत में डालते जाइए। फ्लेम हम लोगों ने रखना है मीडियम। और इस तरह से सारी मैं टिक्कियाँ डाल लूँगी, और इन्हें एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने पे मैं टर्न करूँगी। ये देखें किनारों से गोल्डन ब्राउन सा कलर आपको नज़र आ रहा है, ये कलर नज़र आए तो इसको हम लोग कर देंगे टर्न इस तरीके से, और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से कलर आने पे निकाल लेंगे। और बहुत टाइम नहीं लगता इनको फ्राई करने में, इसलिए आपने एहतियात करनी है क्योंकि मीठा है और जल्दी जल्दी से ये फ्राई हो जाएगा। ये ना हो ज़्यादा, आप इसको वेट करें तो फिर ये इसका ज़्यादा जला हुआ कलर अच्छा नहीं लगेगा। जी तो ये देखें नाइस सा एक कलर हम लोगों को नज़र आ रहा है इनके ऊपर दोनों साइडों से आ चुका है, और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। जी पहले वाले मैंने मालपूड़ा निकाल लिए हैं, अब मैं दूसरा राउंड इसमें डालने लगी हूँ। जब आप दोबारा डालें दोबारा इसको अच्छे से मिक्स करें, और फिर आप डालते जाएं पैन में इसी तरीके से जैसे पहले फ्राई किए थे हम लोगों ने, इसी तरह से फ्राई करेंगे। और इनको स्पेस मिलनी चाहिए, बिल्कुल साथ साथ नहीं डालने आपने, अदरवाइज़ उनकी जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी।
तो इसी तरह मैं कर रही हूँ फ्राई। बहुत ही मज़े का मीठा है और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें सूजी है। और अब मैंने मीडियम टू लो कर लिया फ्लेम बिकॉज के पैन और ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म हो चुका है और मैं इनको उसी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। अभी इसकी जैसे ही हम लोगों को किनारे ब्राउन नज़र आएंगे तब हम लोगों ने टर्न करना है। ये देखें इसके ब्राउन किनारे नज़र आने लग गए हैं तो इसको मैं कर रही हूँ टर्न। साइड्स इनकी टर्न कर दी हैं मैंने। इसी तरह से दूसरी साइड पे कलर आएगा तो इनको भी निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे मालपुड़ा फ्राई कर लीजिए जी। तो रेडी है बहुत ही मज़े के मालपुड़ाज। इसके ऊपर आप डिफरेंट किस्म के पीनट्स, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू, किसी भी चीज़ की गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं थोड़े से बादाम, अखरोट और काजू का पाउडर छिड़क रही हूँ ऊपर से, और आप इसके ऊपर क्रीम भी डाल सकते हैं, और चाहें तो थोड़े से मालपुड़ा को सेपरेट करके उस पर थोड़ी थोड़ी सी आइसक्रीम भी सर्व कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी है, बहुत ही खुशबूदार और मज़े के हैं। तो ट्राई कीजिएगा एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।